एक मिनट आंख बंद करो और लेकर आओ उस व्यक्ति को जो आपको नेगेटिव एनर्जी भेजता है व्यवहार में भेजता है सोच में भेजता है पीठ पीछे भेजता है या किसी ने आपके साथ गलत किया है ज़्यादा वाला गलत बस उनको सामने लेकर आना एक मिनट और इकट्ठे मिलकर हम कुछ कहेंगे आप सब रिपीट करना मन में नहीं करना शब्दों में करना पूरे शहर में गूंजे वो वाइब्रेशन उनको देखते हुए आप कहो बीती सौ बीती बोलिए अच्छे से बोलो बीती सौ बीती मैं आत्मा इस बात को खत्म करती हूँ मैं आपको क्षमा करती हूँ मेरी तरफ से आपके लिए दुआएं, दुआएं और दुआएं अब एक बार फिर से रिपीट करेंगे बीती सो बीती मैं आत्मा इस बात को आज खत्म करती हूँ मेरी तरफ से आपके लिए दुआएं, दुआएं और दुआएं। आपने जो मेरे साथ किया आपके साथ उससे भी ज्यादा बुरा होगा क्यों नहीं बोला आपको सिर्फ रिपीट करने के लिए बोला था क्यों नहीं बोला क्यों नहीं बोला यह है आत्मा का निज संस्कार दुआ देना कितना सहज था इतना आसानी से दिया दुआ का विपरीत सिर्फ़ बोलने के लिए बोला था बोला भी नहीं गया करेंगे कैसे हो ही नहीं सकता क्योंकि देव भूमि की सत्योगी आत्माएँ ऐसे ही होती हैं दुआएं देना बहुत सहज होता है कितना आसानी से दिया कितना आसानी से दिया और आपको तो ऑपोजिट आपको नहीं बोलना था आपको तो सिर्फ मैं बोल रही थी आपको तो सिर्फ उसको दोहराना था दोहराया भी नहीं गया क्योंकि ये हमारा संस्कार नहीं है हर आत्मा शुद्ध है हम स्वर्णिम भारत, भारत की भारत की दिव्य आत्माएं ही हैं लेकिन हम सत्युग से अभी कहाँ पहुँच चुके हैं सारे कलयुग में पहुँच गए हैं जैसे ये कपड़ा है सफ़ेद है लेकिन सारा दिन पहना तो रात तक पहुँचते पहुँचते उस पर क्या हो जाता है थोड़ा सा दाग लग जाता है लेकिन हमें याद रखना है वो सिर्फ दाग है वो इस कपड़े का रंग नहीं है थोड़ा सा ऐसा करेंगे और दाग खत्म हो जाएगा इसी तरह मैं आत्मा शुद्ध पवित्र आत्मा सत्युग में लेकिन फिर शरीर लिया छोड़ा शरीर लिया छोड़ा त्रेता युग में आई फिर शरीर लिया छोड़ा फिर द्वापर युग में आई फिर कलयुग में आई अभी कलयुग के अंतिम समय पर आ गई तो वो जो सफ़ेद था उस पर थोड़े थोड़े क्या लग गए थोड़े थोड़े दाग लग गए कौन से कौन से दाग लगे चिंता ईर्षा द्वेष गुस्सा छोटे 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 दाग लेकिन निज गुण निज संस्कार हर आत्मा का पवित्रता है प्रेम स्वरूप है सुख स्वरूप है शांत स्वरूप है अभी जो हमने चार लाइन बोली आप अगले पंद्रह बीस दिन के लिए हर रोज रात को सोने से पहले या सुबह या दिन में जब भी वो याद आ जाए आप सिर्फ एक बार ये चार लाइन बोल दीजिएगा तो आपकी तरफ से क्या जाना शुरू हो जाएगा सपोज सामने वाला आपके व्यापार में या आपके काम के क्षेत्र में आपके साथ ईर्षा करता है उसको इनसिक्योरिटी है और वो वहाँ से ये भेज रहा है इनका सारा काम ही गलत हो जाए इनकी तो दुकान ही बंद हो जाए फिर मेरी अच्छी चलेगी इनके घर नई गाड़ी क्यों आई सोच सकते हैं ऐसा लोग लेकिन यहाँ से आपने सोचा मेरी तरफ से आपके लिए ढेर ढेर दुआएं 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 आपकी दुकान बहुत अच्छे चले आपकी बहुत वृद्धि हो आप इतना कमाएं जो आपने भी नहीं सोचा था आप कमाएंगे वहाँ से एक शस्त्र आ रहा है यहाँ से दूसरा शस्त्र जा रहा है कौन से वाले शस्त्र की जीत होगी कौन से वाले शस्त्र की जीत होती है रावण कभी जीतता है क्या तो रावण अर्थात क्या रावण अर्थात मेरे अंदर की नेगेटिव सोच तो अगर खुद के अंदर भी कभी नेगेटिव सोच चले तो अपने अंदर के रावण को हमें खुद ही खत्म करना है अपने अंदर के असुर को हमें खुद ही खत्म करना है क्योंकि आसुरी संस्कार भी हमारे पास है और देवताई संस्कार भी हमारे पास है लेकिन अब कौन सा समय आ रहा है अब हमें सतयुग लाना है तो हमें अपने आसुरी संस्कारों को क्या करना है पूरी तरह से खत्म करना है और देवताई संस्कारों को क्या करना है इमर्ज करना है एक मिनट स्वास्तिक को सामने लेकर आए जिन्हें बनाते हैं ना स्वास्तिक कुछ शुभ कार्य होता है तो क्या बनाते हैं सात्विक स्वास्तिक बनाते हैं और फिर बिंदी किधर लगाते हैं पहले लगाइए बिंदी बिंदी कौन से भाग में होती है पहले फर्स्ट वाले भाग में ऊपर लगाओ एक बार स्वास्तिक में बिंदी इधर इधर फिर इधर फिर इधर ये बिंदी जो है ना ये मुझ आत्मा की स्मृति है मैं आत्मा पहले इस युग में थी फिर इस युग में थी फिर इस युग में आई अभी इस युग में आई तो ये जो स्वास्तिक है ये चार युगों का प्रतीक है उसको कहते हैं स्वास्तिक स्व का अस्तित्व में आत्मा का ये अस्तित्व है स्वास्तिक तो जैसे सुबह दोपहर शाम रात होती है और रात के बाद फिर से रात के बाद फिर से सुबह होती है इसी तरह सत्योग होता है त्रेता योग आता है शाम होती है तो द्वापर योग आता है और रात होती है तो कल आता है अभी कौन सा समय चल रहा है अभी चलता है घोर कल मतलब घोर रात्रि तो एक तरफ घोर रात्रि और एक तरफ कुछ लोग जागरण करेंगे मतलब जागेंगे जैसे सुबह का तीन चार बजे का समय होता ना देखो अभी हम कितना नेचुरली बोलते हैं सुबह का तीन बजे का समय कोई और लोग बोलते हैं हम रात को तीन चार बजे सोने जाते समय वही होता है लेकिन किसी के लिए वो समय सुबह है और किसी के लिए वो समय रात है इसी तरह सृष्टि पर ये जो समय चल रहा है ये बहुत सारी आत्माओं के लिए ये रात्रि का समय है लेकिन हम सबके लिए ये कौन सा समय होगा ये जागने का समय होगा जागना अर्थात अज्ञान की नींद से जागना अब इन चार युगों को देखो पहले युग में हाथ कैसा है ऐसा है हाथ रखे ऐसे ये पहला युग है हाथ कैसा है ऐसा है ये हाथ क्या कर रहा है ये ऐसा वाला हाथ क्या करता है दे रहा है दे रहा है दे रहा है दुआएं दे रहा है इसीलिए ये देवी देवताओं का युग है आदि सनातन देवी देवता धर्म देवी देवता धर्म मतलब पूरा समाज देवताई संस्कारों वाला था वो रिलीजन नहीं है वो सिविलाइजेशन है हरेक आत्मा वैसी थी तो ऐसे तो 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 मतलब है सत्योग फिर दूसरा योग कैसे हुआ हाथ नीचे चला गया मतलब मेरा देना क्या हुआ थोड़ा सा कम हुआ फिर तीसरा योग द्वापर योग हाथ ऐसे है ये हमने क्या करना शुरू किया द्वापर योग से चाहिए 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 शुरू हुआ और चौथा योग हाथ ऐसे है ये हमने क्या करना शुरू किया पीछे वाले भी सभी करेंगे हमने क्या करना शुरू किया चौथे योग में ये हम मार रहे हैं किसको मारते हैं सारा दिन हम सबसे ज्यादा किसको मारते हैं सारा दिन सबसे ज्यादा बताओ उंगली रखो किसको मारते हो सबसे ज्यादा दिन खुद को मारते हैं एक एक सोच के साथ मारते हैं एक एक सोच के साथ डर देते अब रखिए वन ठीक है ये मेरा अस्तित्व है मैं आत्मा पहले इस युग में थी यहाँ बिंदी लगाओ फिर मैं आत्मा दूसरे युग में गई क्या हुआ हाथ ऐसे हुआ फिर तीसरे युग में बिंदी लगी मैं आत्मा कैसी बन गई ऐसे बन गई फिर चौथे योग में बिंदी लगी मैं आत्मा कैसे बन गई ऐसे बन गई अब हाथ पकड़ के रखना एक मिनट उधर ही अब इसके बाद किधर जाना है अभी इसके बाद किधर जाना है कौन सा योग आना है बस सारा दिन सिर्फ ये एक्सरसाइज करनी है छोटी सी ऐसे से ऐसे हर सोच को ऐसे से ऐसे बनाना है ऐसे से ऐसे बनाना है और जिस आत्मा ने सोच को ऐसे से ऐसा बनाना शुरू कर दिया उस आत्मा का सत्युग तो आज ही शुरू हो गया क्योंकि सत्युग सृष्टि पर बाद में बनेगा पहले वो सत्युग किधर बनना है सत्युग कि बनना है पहले पहले इधर बनना है जब मेरे संकल्पों में सत्युग आएगा जब मेरे संस्कारों में सत्योग आएगा तो संकल्प से सृष्टि संस्कार से संसार बनता है आज दुनिया बहुत मेहनत कर रही है संसार को बदलने की शारीरिक स्वास्थ्य होना चाहिए मानसिक स्वास्थ्य होना चाहिए रिश्ते अच्छे होने चाहिए प्रकृति अच्छी होनी चाहिए उन्नति बहुत होनी चाहिए संसार पर मेहनत करते हैं और जितनी मेहनत करते जा रहे हैं वो कलयुग और घोर कलयुग बनता जा रहा है क्योंकि संसार से संस्कार नहीं बनते संस्कार से संसार बनता है आपका घर स्वर्ग और नर्क कौन बनाता है कौन बनाएगा अगर आपका ज्यादा बड़ा घर है तो वो स्वर्ग हो जाएगा at? क्या छोटा घर है तो वो नर्क हो जाएगा क्या नहीं अगर आपके घर में ज्यादा सुंदर सामान है तो क्या वो स्वर्ग हो जाएगा नहीं अगर आपके घर में सारा पुराना सामान पड़ा है तो क्या था वो घर नर्क हो जाएगा लेकिन अगर, अगर आपके घर में प्यार है सम्मान है एकता है तो दुनिया कहती है इनके घर में तो स्वर्ग लगा हुआ है और अगर आपके घर में कले कलेश दुनिया कहती है तो इनके घर में नर्क लगा हुआ है तो स्वर्ग और नर्क बाह्य उन्नति से नहीं बनता है स्वर्ग और नर्क संस्कारों से बनता है घर के अंदर भी देश के अंदर भी और सृष्टि के ऊपर भी इसीलिए सिद्धांत है संस्कार से संसार बनता है